हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर आपका अपना चैनल ब्लाउज एंड बुटीक मास्टर नीलकंठ देवांगन। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलकंठ देवांगन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एक लहंगे की स्टिचिंग जो कि एक बॉर्डर वाली साड़ी से बनाया गया है। और ये लहंगा जो है एक छोटे बच्चे के लिए बनाया गया है, क्योंकि एक छोटी बच्ची का लहंगा है इसलिए इसके कमर पर हम लगाएंगे इलास्टिक। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम तीन चीजें सीखेंगे। फर्स्ट, लहंगे की स्टिचिंग, और सेकेंड है लहंगे की कमर पर इलास्टिक कैसे लगाएं, एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स। इस वीडियो को जब हम अंत तक देखेंगे तो हमको जानने को मिलेगा। एंड फ्रेंड, यदि आप लहंगे के टॉप की स्टिचिंग और कटिंग देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आई बटन पर देखते रहिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड, कुछ समय पहले मैंने रेडीमेड लहंगा को फिटिंग कैसे किया जाए इसका भी वीडियो अपलोड किया था, सो आई बटन पर आप जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हम बिगनर्स होते हैं तब हमें इलास्टिक लगाने में दिक्कत होता है, जब हम सीख जाते हैं तो यही इलास्टिक जो है बहुत ही इजी तरीके से हम लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में देखिएगा इलास्टिक किस तरीके से लगाया जाए। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं वीडियो। ये मैंने सैंटून का कपड़ा लिया है 2 मीटर स्तर के लिए, तो इसको भी हम कट कर लेते हैं। ये जो है लगभग 2.25 मीटर है, इसको 4 फोल्ड कर लेते हैं। अब यहां पर हम मोड़ने के लिए छोड़ देते हैं, इतना हिस्सा मोड़ देंगे। इसका लंबाई है 33 इंच, तो हम कुछ छोटा रखेंगे, 1 इंच छोटा रखेंगे लंबाई। अस्तर है, बाहर दिखना नहीं चाहिए, लटकना नहीं चाहिए, तो 32 इंच, और 2 इंच का बेल्ट है, और ये 1/2 इंच यहाँ पर मार्जिन देगा। तो यहाँ पर टोटल लेंथ क्या चाहिए अपन को, 32 इंच। ये 32 इंच ऐसे, ये इसका अर्ज है और ये इसकी लंबाई है। तो मैं अर्ज को लंबाई लिया हूं, इसको कट करके ऐसे निकाल लेते हैं। एंड यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम कली को 3 इंच का जो कली हम लहंगे पर बनाए हैं वो जरूरी नहीं है कि 3 इंच पर भी यहाँ बनाए, इसको बड़ा बड़ा भी हम काट सकते हैं। तो मैं इसको बड़ा बना रहा हूँ, 16 इंच इसका कमर है, जो हाफ जो कमर लिया है 16 इंच है, तो 16 इंच का हाफ होता है 8, और ये 4 लेयर है, तो एक कली जो हम 8 इंच का बनाएंगे, तो इसका टोटल सेंटर निकाल लेते हैं 21। ये है इसका सेंटर, और 8 इंच का 1/2 4 और 4 8, और कुछ एक्स्ट्रा ले लेते हैं जो हम अंदर कमर पर चुन्नट डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया हमें, 2 इंच इस तरफ और 2 इंच इस तरफ। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम अंदर कमर में चुन्नट डाल के एडजस्ट कर लेंगे। को कट कर लेंगे। तो हमारा ये 4 पार्ट में जो कलिए इसमें कट गए हैं, देखिए 1, 2, 3 एंड 4। अब 2 इंच का बेल्ट बनाना है, यहां पर 1/2 इंच छोड़ देंगे सिलाई के लिए, और 2 इंच का बेल्ट है तो इसका डबल लेना है इस तरफ भी। ये इसका बेल्ट का बैक साइड होगा, और 1/2 इंच यहां पर, तो टोटल यहां पर 5.5 इंच चौड़ा एक पट्टी काट लेना है, और 16 इंच का बनाना है हमको, तो ये 16 इंच। अब ये हमारा मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को भी हम उतना ही काट के रख लेते हैं, उससे कुछ ज्यादा काट के रख लेते हैं, जिसको हम बाद में कट करके निकाल लेंगे।
तो मैं इसे कुछ ज्यादा चौड़ा ले लेता हूँ। इसमें अटैच करने के बाद जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट कर लेंगे। यह लहंगा का मेन फैब्रिक, ये उसका बेल्ट और ये है फ्रेंड्स, ये है लहंगे की कटिंग जिसे हमने साड़ी से कट किया था। इसकी सारी कलियां यहाँ पर कटी हुई है एंड यहाँ नीचे मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। इसको इस तरीके से कलियों को लेकर यहाँ पर जो बॉर्डर है उससे टच करते हुए स्टिचिंग स्टार्ट करना है और इस तरीके से स्टिचिंग यहाँ स्टार्ट करके ऊपर तक हम स्टिच करेंगे। बाहर से देखने पर ये कलियाँ ऐसा लगेगा कि ये नीचे तक कटी हुई है। इसको इसी तरीके से सारे जो कलियाँ हैं हम जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करते समय ये ध्यान रखना है कि कलियाँ जो है एक समान आए, छोटा बड़ा ना हो, क्योंकि हमने सभी को बराबर कट किया है तो ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए। देखिए ये मैं सारी जो कलियां हैं उसको जॉइंट कर लिया है और ये दो कलियां जो है बची हुई है, दो जॉइंट बचा हुआ है, इसको भी जॉइंट कर लेते हैं। ये इस तरीके से सारे कलियां जो है हम जॉइंट कर लेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 3 में मैंने इस लहंगे की कटिंग बताई है। जो ये देखिए यहाँ पर स्टिचिंग ऐसा लग रहा है कि यहाँ पूरा नीचे तक स्टिचिंग आया है, जबकि ये स्टिचिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ है बॉर्डर के ऊपर से। अब यहाँ पर जो ओपन साइड है ये साइड का जॉइंट है, इसको हम जॉइंट करेंगे तो हमारा जो राउंड है घेर का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको अच्छे से जॉइंट कर लेंगे एंड जो धागा वगैरह जो निकल रहा है उसको साफ कर लेंगे। अब ये हमारा सर्कल जो है, गोलाई जो है, घेर जो है, घेर कंप्लीट हो गया है, कमर का घेर कंप्लीट हो गया है। अब अस्तर को भी इसी तरीके से हम जॉइंट कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस लहंगे की कटिंग का वीडियो जो देखना चाहते हैं अभी ऊपर आई बटन आएगा वहां से आप देख सकते हैं, या डायरेक्टली पार्ट 3 लहंगा स्टिचिंग पार्ट 3 में जाकर देख सकते हैं। अब ये साइड का मेन जॉइंट है, फाइनल जॉइंट है ये, इसको भी यहाँ से जॉइंट कर लेंगे तो इसका भी जो गोलाई है कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए इसका भी राउंड कंप्लीट हो गया। अब ये जो लहंगा है मैंने जॉइंट करके ओवरलॉक, इंटरलॉक जिसे हम कहते हैं, मैंने कर लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको खास इम्पॉर्टेंट टिप्स देने जा रहा हूँ। देखिए मैंने पूरा प्रेस कर लिया है एक एक कलियों को एंड इसको भी जॉइंट करके इसको भी प्रेस कर लिया है। अब जो इम्पॉर्टेंट टिप्स है वो ये है कि जब हम इंटरलॉक करते हैं तो इस तरीके से धागा थोड़ा बाहर निकाल लें और इसको सुई में पिरोने के बाद इसको यहाँ पर गांठ लगा दें। इससे जो इंटरलॉक का जो धागा है वो खुल जाता है, वो ऐसा नहीं होगा और इसकी लाइफ जो है बढ़ जाएगी। ये देखिए इस तरीके से नॉट लगा देना है यहाँ पर, गांठ लगाने के बाद ये अपनी जगह से नहीं निकलेगा। एंड सेकंड तरीका ये है कि इसको काटते हैं तो बिखर जाएगा, तो इसको काटना नहीं है, इसको यहाँ से इस तरीके से ऐसे हाथ से भी बांध सकते हैं। अब जो गांठ लगाए हैं उसके थोड़ा आगे से इसको कट कर दीजिए तो ये सेफ हो जाता है, खुलेगा नहीं यहां से। एंड ये
अस्तर है, अस्तर में यहाँ पर हमको मोड़ना है, तो इसको गांठ लगाने की या बांधने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप यहाँ पर लॉक हो जाएगा। सो फ्रेंड, इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट टिप्स मेरे वीडियो पर आपको मिलते रहेंगे। लगातार यूं ही हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर वॉच करते रहें, बने रहिए। एंड मैं यहाँ पर जो अस्तर का जो घेर है नीचे का, उसको मैं फोल्ड कर रहा हूँ, मोड़ रहा हूँ। अब ये देखिए, हम कमर को स्टिच करना है। हमारा जो अस्तर है वो थोड़ा ज़्यादा है, और ये जो मेन कपड़ा है इसको हम फोर पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये साइड में मैंने मार्किंग किया है, एंड दूसरे साइड पर, एंड इसको फोल्ड करके हम सेंटर निकाल लेंगे। यहाँ पर, एंड ये है उसका सेंटर, मिडिल पॉइंट। आगे और पीछे मार्किंग कर लेंगे। हम यहाँ इसको चार पार्ट में बांट रहे हैं। अब अस्तर को चार पार्ट में बांटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चार कलियाँ हैं, तो ये पहले से ही फोर पार्ट में डिवाइड है। अब एक एक पार्ट को यहाँ पर हम स्टिच करते जाएंगे और मैनेज करते जाएंगे। जो मेन कपड़ा है उसमें जो अस्तर का फोर पार्ट है, उसको चुन्नट डाल के एक एक पार्ट को सेट करते जाएंगे, तो इसी तरीके से पूरा जो सर्कल है वो सेट हो जाएगा, और चारों पार्ट इसी तरीके से पूरा जो गोलाई है वो सेट हो जाएगा, और इसके चारों साइड पर चुन्नट जो है बराबर आएंगे। सो ये जो है कंप्लीट हो गया है। इस पे अस्तर यहाँ पर लग चुका है और ये बाहर नहीं लटकेगा, क्योंकि एक इंच छोटा है। अब हम कमर की पट्टी स्टिच करते हैं। ये देखिए, मैंने मेन कपड़ा जो है नीचे रखा है और जो अस्तर है वो ऊपर रखा है। अस्तर जो है हमारा फाइनल कटा हुआ है। सो इसको स्टिच करके हम चारों तरफ से स्टिच करके हम इसको अटैच कर लेंगे। एंड एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है कट करके हम बाहर निकाल लेंगे। एंड यहाँ पर बेल्ट में अस्तर जो है अटैच हो चुका है, और इसको मेज़र करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, बेल्ट जो है लगभग बराबर है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन है बस। इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसका मिडिल लाइन जो है हम निकाल लेंगे, सेंटर लाइन। तो इसका सेंटर लाइन ही हमको मिल गया। इसको मार्किंग कर लेते हैं, और जो अस्तर है उसको सेंटर से भी अटैच कर लेते हैं। इससे यहाँ पर जो अस्तर है मेन कपड़े के साथ फिक्स रहेगा, अपने जगह से इधर उधर नहीं होगा। एंड यहाँ पर ये देखिए, मेन जॉइंट, जो साइड का जो मेन जॉइंट है, वहीं से हम बेल्ट स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे, एक इंच आगे से, क्योंकि हमको वहाँ पर जॉइंट लगाना है, इसलिए जॉइंट के थोड़ा आगे से जॉइंट करना स्टार्ट करना है। और बेल्ट को इस तरीके से हम पूरे राउंड पर स्टिच करेंगे, और जॉइंट से थोड़ा पहले रुककर इसको बाहर निकाल लेंगे। अभी जॉइंट से थोड़ा पहले इसको ख़त्म करना है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको क्लोज में दिखाता हूँ इसको। ये देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा पहले ही स्टार्ट किया था और थोड़ा पहले इसको स्टिचिंग को ख़त्म किया है। अब ये जो एक्स्ट्रा जो यहाँ पर कपड़ा हो रहा है उसको हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे, और ये जो मेन स्टिचिंग लाइन है बेल्ट का, उससे हम इसको मैच करके सिल लेंगे, तो पूरा राउंड जो है, सर्कल जो है कंप्लीट हो जाएगा। बेल्ट के दूसरे किनारे को हम आधा इंच फोल्ड करेंगे, जो कि बेल्ट फोल्ड करने के बाद ये अंदर के साइड पर रहेगा। अब हम यहाँ पर इलास्टिक ऐड करेंगे। इलास्टिक कमर का, यहाँ पर 23 इंच कमर है, उसमें 4 इंच कम कर लेना है। अगर आपको ज़्यादा टाइट चाहिए तो 5 इंच कम कर लेना है, और आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है यहाँ पर स्टिचिंग के लिए। वन साइड पर आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। देखिए, 1.5 इंच की इलास्टिक है, इसको इस तरीके से
दोनों जो सिरे हैं उनको लॉक कर लेना है, स्टिच कर लेना है इस तरीके से। तो ये पूरा सर्कल जो है बन गया। एंड इसको बेल्ट के सेंटर में रखना है, बीच में रखना है इस तरीके से। इसको ये बेल्ट है। अब बेल्ट के नीचे मैंने इलास्टिक रखा हुआ है और इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर मार्जिन होना चाहिए कपड़ा, अंदर की तरफ जो लाइन स्टिच हुआ है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए और उसको स्टिच करते जाएंगे। आपको जैसा भी यहाँ पर फोल्ड करते बनता है वो अपने तरीके से स्टिच कर लेंगे। मैं यहाँ ऊपर से देख के नीचे की तरफ कपड़ा जो है फोल्ड करते जा रहा हूँ। तो हो सकता है इस तरीके से किसी को दिक्कत हो, तो अपने तरीके से इलास्टिक को बेल्ट में स्टिच कर लेना है। यहाँ पर इलास्टिक में स्टिच नहीं चलाना है, सिलाई नहीं चलाना है। अभी हम सिर्फ बेल्ट को फोल्ड कर रहे हैं, कपड़े को फोल्ड कर रहे हैं। इलास्टिक इसके सेंटर पर अभी फ्री है। स्टिच होने के बाद हम अभी इलास्टिक पर स्टिच करेंगे। ये देखिए पूरे राउंड पर जो है कपड़े को इस तरीके से खींच के अच्छे से सेट कर लेना है, ताकि कहीं भी कपड़ा जो है ज़्यादा इकट्ठा ना हो, पूरे राउंड पर एक जैसा रिंकल्स आए। अब हम इस पर स्टिचिंग करेंगे इलास्टिक पर। अब सुई को पहले चुभा के रखना है और पूरा कपड़ा एक साथ खींचना है। एक साथ खींचेंगे, कहीं भी सेंटर में हाथ रख लेंगे, जहाँ भी हाथ रखेंगे वहाँ छोड़ना नहीं है। और पीछे एक हाथ रखेंगे और पूरा अच्छे से खींच के इसको स्टिच कर लेंगे। एंड फिर रुकेंगे, फिर सुई चुभा के रखेंगे और पूरा कपड़ा खींच के बीच में हाथ रखना है और दोनों तरफ से आगे और पीछे से अच्छे से खींच के इसको स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से पूरे राउंड पर एक जैसा सलवट या रिंकल्स एक समान बनेंगे, कहीं भी एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इकट्ठा नहीं होगा और बाहर से लुक जो है बहुत ही परफेक्ट आएगा यहाँ पर। इस तरीके से पूरे राउंड पर हम स्टिच कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर फिनिशिंग के साथ इलास्टिक लग चुका है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर घेर भी देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्टिच हुआ है और ऐसा लग रहा है कि ये स्टिच जो है पूरा नीचे तक गया है और ऊपर बॉर्डर लगा हुआ है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।